मंगलवार को पूर्वोत्तर रेलवे मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के सामने रेलवे प्रेस में तैनात कर्मचारी के जलकर मौत से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई। रेलवे प्रेस में टेक्नीशियन पद पर तैनात संजय यादव नामक व्यक्ति का शव जली हुई हालत में प्रेस के अंदर ही बरामद हुआ। प्रेस में तैनात कर्मचारियों ने इसकी सूचना अपने विभाग के उच्चाधिकारियों को दी। मौके पर पहुंची आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संजय यादव के परिजन को इस बात की जानकारी दी गई तो आनन फानन में परिजन मौके पर पहुंचे। पिता की मौत को बेटे ने हत्या कर जला के मारने का आरोप कई लोगों पर लगाया है। आपको बताते चलें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरदिलपुर निवासी संजय यादव अपने सहयोगियों से लाखों रुपए सूद पर लिया था। सूदखोरों का पैसा वापस ना दिए जाने पर संजय यादव असमर्थता जता रहा था। काफी दिन गुजर जाने के बाद भी पैसा देने वाले लोग संजय यादव के घर पर चढ़कर पैसा वसूल कर लेने की धमकी दिया करते थे। मृतक के पुत्र ने आरोप लगाया है कि नोटबंदी के दौरान सूद पर पैसा लिया गया था, जिसकी भरपाई पिताजी ने कर दी थी। उसके बावजूद सूदखोरों और विभाग के ही एक सिपाही ने आज उसकी हत्या की है। फिलहाल आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मामले की जांच करने में जुट गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंजीनियर टीपीए सेक्शन अतुल कुमार शुक्ला, आरपीएफ कमांडेंट अमित गुंजन और मृतक संजय कुमार यादव के पुत्र ने कहा। ये सर है वहाँ पे आके टिकल है क्या का नाम संजय कुमार यादव है और वो लंच के टाइम में 1:35 पर हमारे यहाँ 1:30 से लेकर 2 बजे तक लंच रहता है। 1:35 में वो हमारे गैलरी थोड़ी लैट्रिन बाथरूम जाने का जो रास्ता है वहाँ पे आवागमन रहता नहीं है तो उसी में वो पड़ा हुआ था। मतलब वहाँ नीचे से फ़ोन आया कि किसी को जल रहा है और गैलरी नीचे से आसानी से दिखती है, ऊपर से नहीं दिखाई देती है, वो आड़ है उसके आगे। तो नीचे से लोगों ने बताया कोई जल रहा है तो यहाँ कर्मचारियों ने दौड़ के देखा तो जो भी जो जल रहा था उसको बुझाने का प्रयास किया और ये 1:35 की घटना, 1:35 1:37 की। और हम लोगों ने तुरंत 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस और 100 नंबर और आरपीओ को सूचित कर दिया। सब लोग यहाँ पहुँच गए और उसके परिवार के लोग भी आ गए। परिजनों ने बताया है कि उन्होंने कोई 4 नाम बताए हैं जो बाहरी हैं, हमारे यहाँ के अनुभाग के नहीं हैं, और उन्होंने को फ़ोन नंबर भी बताया जिससे उसको कोई लोग कुछ कहते रहते थे वो परेशान। मेरा नाम अतुल कुमार शुक्ला, मैं यहाँ सीनियर सेक्शन या टिकट प्रिंटिंग, टिकट फैब्रिकेशन और जनरल सेक्शन देखता हूँ। देखिए फिलहाल अभी तो कुछ क्लियर नहीं हुआ है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। प्रेस के एक कर्मी थे हमारे, उनकी बड़ी पाई गई है जली अवस्था में, पुलिस में जिला हो गई है, उनके परिजन भी आ गए हैं। अब अंदरूनी क्या बात है, जो परिस समय है लंच ब्रेक के समय में हुआ है, हम यादव करके टेक्नीशियन के पद पर रही हुई है और डेड बॉडी पड़ी हुई है। डेड बॉडी को हम लोगों ने देखा है, पुलिस अपना काम कर रही है, फॉरेंसिक साइंस वाले भी आए हुए थे, इसके तब में जाने के बाद उसके परिजनों
से पूछताछ करने के बाद फैक्ट पर। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, क्या मामला हो सकता है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, प्रथम दृष्टया तो कुछ सूदखोरी का मामला भी आ रहा है सामने, कुछ सूदखोरी का मामला आ रहा है जिसमें हत्या कर दी गई ऐसी बात आ रही है। ये बच्चे बता रहे हैं लेकिन अभी तक कोई इसका ठोस साक्ष्य नहीं मिला है, ये अनुसंधान का विषय है, आगे पुलिस जांच कर रही है। हमारे आरपीएफ की टीम भी लगी हुई है, लोग भी हैं, सत्य का पता चल ही जाएगा। आप लोगों को कोई प्रत्यक्षदर्शी कोई कर्मचारी यहाँ का रहा हो जिसने देखा हो कैसे घटना? भाग्यवश जिस समय ये घटना घटित हुई उस समय लंच ब्रेक का टाइम था और जलते हुए दूर से किसी ने देखा तो उसने इन्फॉर्म किया, तब जाकर के लोगों के बीच में थोड़ी देर में हल्ला हो गया तो हम लोग विभाग के आए। हाँ इन्होंने देखा है, जले हुए व्यवस्था में बड़ी पड़ी हुई थी, तब तक वीडियो हो चुकी और अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। सर कैसे कैसे आग लगाए, किस चीज़ से आखिर इन्होंने अपने आप को जलाया? नहीं वहाँ तो कैरोसिन की बदबू आ रही है, कैरोसिन का उपयोग तो प्रेस में होता ही है, आप पेट्रोलिंग मशीन पर आता है, तेल से साफ सफाई का काम होता है, तो इसलिए वो मिट्टी का तेल था। आशुतोष यादव। आशुतोष आपके पिताजी का क्या नाम था और किस पद पर आया? संजय कुमार यादव टेक्नीशियन। अच्छा ये बताइए कितने साल से वो रेलवे में काम कर रहे हैं? उनका ये 1970 साल हो गया। कितनी उम्र रही होगी? 50 साल। अच्छा क्या हुआ था घटना, कुछ पता चल पाया है? नोटबंदी के समय राजू कुमार यादव जो सिपाही हैं, राय जो शिक्षक है, एक प्रदीप है जो दलाल है, ऐसे सूद पर पैसा डालते हैं, एक प्रदीप सिंह है, ये लोग नोटबंदी के समय, एक अर्जुन यादव हैं, नोटबंदी के समय अर्जुन यादव इन लोगों से पापा का मुलाकात कराए, बोले कि भैया इन लोगों के पास इतना पैसा है आप भजवाइए और इतने परसेंट पे दे रहे हैं ये लोग, तो पापा उन लोग से गए बात उत किए, तो जैसे वो लोग 50,000 पापा को देते थे तो अर्जुन यादव 40,000 अपने रख लेता था, नोटबंदी के समय 10 पापा ले लेते थे, और नोटबंदी के बाद जब पैसा सारा ख़त्म हो गया, सारा पैसा अर्जुन यादव हैट लिया, उसी से गाड़ी अपना पल्सर से चलता है सारा, एक एक फ्रीज व्रीज सब पापा। कितना पैसा उधार लिया था आपने? उधार नहीं लिया, सारा पैसा ऐट लिया, जितना पापा लेकर आते थे सारा ऐट लिया। क्यों क्यों ले लिया? दोस्ती के नाम पे सारा ऐट लिया, करीब 4-5 लाख रुपए वो सारा ऐट लिया होगा। फिर क्या हुआ? जब पैसा ख़त्म हुआ तो राय और ये लोग दबाव बनाने लगे कि मेरा पैसा दीजिए, दिए थे पैसा ये लोग कम, सूट पे सूट जोड़ जोड़ के ज़्यादा अमाउंट बताते रहे। तो नवंबर में हम लोगों ने एक लोन निकलवाया, तो उस समय 1,90,000 रुपये राय को दिया गया, 25,000 रुपये प्रदीप को दिया गया, फिर भी एक लोन हम लोग निकलवाया गया फरवरी में, उसमें 3.5 लाख रुपया दिया गया राय का, घर पे बुला के तो घर पर वो नहीं आ रहा था तो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, और राजू को घर पे बुला के 70,000 रुपया दिया गया, प्रदीप सिंह को 1,00,000 रुपया दिया गया, और ये राजू कुमार यादव जो है रेलवे प्रेस में घुस गया था, धमकी दे रहा था कि पैसा अगर 2 दिन में नहीं मिला तो आपको मार धरेंगे, ये कर देंगे, और 10 दिन पहले वो प्रेस में आ भी गया था, वो प्रेस का आदमी ना होते हुए दिया गया था ऊपर तक, तो पापा को धमकाया, पापा दूसरे दिन का समय नाम है। फिर अच्छा आज क्या घटना हुई? आज पापा को वही 2 दिन का समय दिया था, 5 तारीख तक पैसा मांग रहा था अपना राजू कुमार यादव 4.5 लाख रुपया, और वही पापा नहीं दे पाए तो जबरदस्ती मिल के हत्या कर दिए, मदद नहीं करता अर्जुन यादव सारा पैसा है। कौन कौन था घटना में, कौन कौन था ये तो हम तो आरोप अर्जुन यादव आया था रेलवे प्रेस में सुबह में, इस समय फरार है वो, जबकि सुना ये घटना और रेलवे प्रेस में वो काम करता है। सर हमको नया चाहिए, हमें पापा के जितने भी गुनहगार हैं मुआवजा होनी चाहिए गाड़ी से पड़ा दी, और ये जो राजू और राय हैं ये लोग जो शिक्षक हैं, इन लोग की नौकरी और सरकार से चाहते हैं कि लोग की नौकरी पूरी ले ली जाए, जो लोग सूट पर पैसा, वो लोग कहाँ काम करते हैं? एक राजू कुमार यादव सिपाही हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, और राय जो है वो शिक्षक के टीचर हैं, पर इतना बचाओ उन लोग का नंबर बदल नहीं। कितने बजे की घटना कब जानकारी मिली आपको? हमको तो जानकारी मिली है 1:30 बजे करीब। कितने बजे की घटना है अब ये तो हमें पता, हमको इतना ही पता था।